अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिब महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से मुल्क का लोड शेडिंग ने हाल कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है इस गर्मी के अंदर, और हर बंदा परेशान है कि इस गर्मी के अंदर ड्यूटी पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, घर में सुकून नहीं मिलता। तो ये सारा कुछ जो है वो लोड शेडिंग की वजह से हो रहा है। इमरान खान साहब के दौर में तब भी यही बात था, उन्होंने अपनी 3.5 साल की जो सियासत की है उसके ऊपर उन्होंने हमेशा पिछली हुकूमत को सामने रख के सियासत की है कि उन्होंने हर किस्म का इल्ज़ाम जो भी लगाना था वो उन्होंने पिछली हुकूमत में लगाया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब ये बात मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये काम उन्होंने पकड़ लिया है। अब जो भी खसारा, जो भी लोड शेडिंग, जो कुछ भी है उन्होंने पिछली हुकूमत पे डालना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि पिछली हुकूमत सस्ती गैस खरीद लेती तो इतनी बुरी मुआशी सूरत हाल ना होती। गर्मी में बिजली ना हो तो अवाम बद्दुआएं देती हैं, शहबाज शरीफ का मौकफ। सनतों को गैस ना मिले तो बरामदात को धचका लगता है। पीटीआई ने बिजली के प्लांट्स की बर वक्त मरम्मत ना कराई, बंद पड़े थे। हमारी हुकूमत ने चंद माह में चालू कराए, इजलास से खिताब। 270 मेगावाट के क्रूड पिंक बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। चीनी सदर को हांगकांग की वापसी के 25 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद, और ओवरसीज पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री के फरोग में किरदार अदा करें, शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में लोड शेडिंग कम ना होने पर बरहमी का इजहार किया कि बिजली नहीं हुई होती तो अवाम बद्दुआएं भी देती हैं। सनतों को गैस ना मिले तो बरामदात को धचका लगता है। पिछली हुकूमत सस्ती गैस खरीद लेती तो इतनी बुरी मुआशी सूरत हाल न होती, शहबाज शरीफ का मौकफ। अब मकसद कहने का ये है कि जब अवाम आपको वोट देती है और इक्तदार में लेकर आती है, आगे काम असम्बलियों में बैठकर अवाम के बारे में सोचने का होता है, लेकिन ये किस तरह वोट लेकर अपनी आंखें माथे पर रख लेते हैं और अवाम के पीछे मुड़कर भी देखते हैं कि अवाम का क्या हाल है। जिस अवाम ने आपको इतने बड़े इकतदार में बिठाया, एसी में बिठाया, सीटों में बिठाया, इज्जत दी, और उसके बाद आप उसी अवाम को सिर्फ वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, तो ये सरासर ज्यादती है। तो अवाम का क्या बनेगा कि अवाम इस मुश्किल वक्त से गुजर रही है, ये उन पर एक एक मिनट का लम्हा भारी है। एक बिजली नहीं आती, दूसरा गर्मी और हबस के सताए हुए लोग कहाँ जाएं, सुकून की तलाश में होते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता, और पूरा दिन वो मेहनत मजदूरी करते हैं सिर्फ एक नींद लेने के लिए। सुकून का सोचते हैं कि हमें घर जाकर सुकून मिल जाएगा, तो जब जाते हैं तो आगे लाइट नहीं होती, तो उस वक्त अवाम का क्या हाल होता है। बहरहाल ये एक फिक्र लम्हा है कि आप लोगों ने किस तरीके से जिन लोगों को वोट दिए थे और आपके साथ वो कैसा सलूक कर रहे हैं, और अमीर अमीर तरह हुआ जा रहा है, गरीब गरीब तरह हुआ जा रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, परेशानी को हल करने वाला कोई नहीं है, उनके जख्मों पे मरहम रखने वाला कोई नहीं है। अपने होस्ट शाकिब महमूद चौहान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।